चलिए अब वक्त हो चला इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया, जिसके बाद से रातों रात वो बिहार के विधि मंत्री से गन्ना मंत्री बन गए हैं। कार्तिक कुमार अब संभालेंगे गन्ना उद्योग का विभाग। शपथ ग्रहण के बाद से ही विवादों में घिरे थे विधि मंत्री। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर उठाया सवाल। उन्होंने कहा क्या यही नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। रातों रात बिहार के विधि मंत्री बदल दिए गए। बिहार के आज कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया और नीतीश कुमार जी की यह नई जीरो टॉलरेंस नीति है, जो कि फंसाते भी हम हैं और बचाते भी हम। हम ही लालू को फंसाएंगे, हम ही तेजस्वी को फंसाएंगे, हम ही अनंत सिंह को फंसाएंगे, हम ही आनंद मोहन सिंह को फंसाएंगे, और जब आप मेरे शरण में आ जाइएगा तो हम ही बचाएंगे। और इसी बचाने के तहत वह अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने गलती किया, एक अपराधी को विधि मंत्री बनाया, और इसलिए अब उसको गन्ना विभाग दिया गया है और गन्ना विभाग के मंत्री को विधि विभाग दिया गया है। यह नीतीश कुमार जी की नई नीति है कि आप कितने भी बड़े अपराधी हों, हम अगर आपको फर्जी केस से जेल भेजवा सकते हैं तो हम ही आपको अपना आपके व्यक्ति को विधि मंत्री देके आपको जेल जाने से बचा सकते हैं। बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था जिस तरह से गिर रही है, नीतीश कुमार जी रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनकर केवल और केवल लालू जी के परिवार के आदेश पालक की भूमिका में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिलहाल आदेश पालक की भूमिका में है। लालू यादव और यूं कहे कि लालू परिवार के आदेश पालक बन चुके हैं। रबर स्टैंप की तरह वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के इशारे पर काम करते हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, क्या यही नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय देशवाल ने।